नदी अपने गंगा नदी का अफवाह तंत्र। डायग्राम नहीं बना रहा, एक बेस से चला रहा हूं। डायग्राम इसका बहुत नहीं बना पाओगे, थोड़ा पीछे आता है। ठीक, गंगा निकली कहां से है तो ये समझो गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री से निकली नाम पड़ा इसका पहला भागीरथी। भागीरथी नदी जब कंटिन्यू आगे चलती है तो इसमें एक नंबर एक नदी आकर मिली है, इस नदी को नाम दे रहा हूं एक वीर गर। ठीक, ये रही हमारी भागीरथी और इस नदी में आपके मिली है हमारी भीलगर। तो ये जिस जगह मिल रही है वो स्थान कहलाया टेहरी, और टेहरी में ही भारत का सबसे ऊंचा बांध। ठीक, और ये पड़ा अपना उत्तराखंड। आगे भागीरथी चलती है, फिर आगे चलने से पहले भागीरथी में आता है पानी किन किन नदियों का वो देखते हैं। ये नदी है पिंडार, जो पिंडार ग्लेशियर से निकली है। ठीक, और एक और नदी है अपनी अलकनंदा। अलकनंदा जो है सतोपत हिमनद से ये निकलती है। एक तो पिंडार से निकली पिंडार नदी, जब पिंडार नदी में अलकनंदा में ये अवगन मिलते हैं, इस जगह को बोलते हैं अपन कर्ण प्रयाग। आने तक अलकनंदा और जाती है तो इसमें नेक्स्ट नदी का मिला है धौली गंगा। धौली गंगा का पानी इसमें जब मिलता है तो वो स्थान कहलाया है जोशी मठ। फिर ये आगे गई, आगे इस नदी में पानी मिला है विष्णु गंगा, तो ये जगह कहलाई हमारी विष्णु प्रयाग। फिर इस नदी में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मंदाकिनी का पानी मिलता है, और जहां ये पानी मिला ये सब उत्तराखंड से निकली, सब उत्तराखंड में मिल रही है, तो वो जगह कहलाई है रुद्रप्रयाग, पूरा उत्तराखंड। ठीक, ये आपकी जो निकली है सतोपत हिमनद नीति दर्रा से निकली उत्तराखंड में, ग्लेशियर है ये वाला। भागीरथी कहां से निकली कोई पूछे तो गंगोत्री से निकली है। गंगोत्री में कौन सी जगह से, गौमुख से। तो गंगा का उद्गम कहां से हुआ है, गौमुख से। गौमुख यानी कि ग्लेशियर में स्थित है। ठीक, ये जगह यहां पर इस जगह से वो निकली। तो अब देखो अलकनंदा पे है बाबा बद्रीनाथ, मंदाकिनी पे है बाबा केदारनाथ। जब अलकनंदा का पानी भागीरथी में मिला है तो वो स्थान कहलाता है आपका देव प्रयाग। पॉइंट्स क्लियर हुआ, एक और बार रिपीट, भागीरथी नदी कहां से निकली है, गंगोत्री के गौमुख से।
भागीरथी पहले नदी में मिला भीलघरा का पानी टेहरी में, तो टेहरी जगह में ही भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध का निर्माण। फिर अलकनंदा उद्गम हुई, अलकनंदा नदी नाम पड़ा, पिंडार नदी निकली वो काम ली कर्णप्रयाग, धौली गंगा जोशीमठ, विष्णु गंगा कृष्णप्रयाग, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। ठीक, जितने भी आपको प्रयाग सब लिखवाए ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, चारों को आपको अच्छे से तैयार रखेगा। ठीक, अब अपनी गंगा नदी यहां मिला आपको नाम, अब गंगा, अब गंगा चलेगी आगे, तो गंगा नदी में अब मिलेगा पानी अपना राम गंगा का। राम गंगा नदी उत्तराखंड बहते हुए यूपी के फर्रुखाबाद में ये मिल गई। इसकी विशेषता इस पर नैनीताल स्थित है और दूसरा हमारे नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है। पॉइंट्स क्लियर, चले आगे। फिर ये नदी आगे की फ्लो होती है, तो अब यूपी का जिला है लखीमपुर, पीलीभीत लखीमपुर, ठीक, यहां से हमारी नदी निकली है गोमती। ठीक, गोमती के तटीय नगर आपको एग्जाम में पूछेगा, तो गोमती के सभी तटीय नगर एक जगह लिखा रहा हूं। पहला है लखनऊ, जौनपुर, हरदोई, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गोमती के तटीय नगर, स्टार लगा लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, लखनऊ रिवर फ्रंट किस नदी पर है, तो गोमती। जौनपुर किस नदी पर है, गोमती। जौनपुर नगर की स्थापना जो की थी जूना खान ने करवाई की थी। ठीक, अपन जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका नाम जूना खान था, उसने इसकी स्थापना की गई थी। ये थोड़ा बड़ा कि फिरोज शाह तुगलक आता है, उसने इसको आगे खाली किया। इतना क्लियर हुआ, अब अपन चलते हैं आगे। तो गंगा आगे बढ़ती है, तो मैंने एक नदी बताई थी आपको गंडक, लेकिन ये कहां से निकाली थी अपन ने, हिमालय पार पर्वत, ये नदी यहां से निकलती है। हिमालय पार पर्वत से जब निकली है तो नेपाल में इसका नाम पड़ा है शालिग्राम। शालिग्राम एक प्रकार का पत्थर होता है जिस नदी में पाया जाता है, इसका इसका नाम शालिग्राम। जब ये नदी आगे चलती है, ठीक, इसके आगे, तो जब भारत में प्रवेश करती है तो हो गया इसका नाम गंडक, और जैसे ये यूपी में आई है तो इसका नाम पड़ता है यहां पर नारायण। पॉइंट्स क्लियर होगा, और गंडक नदी जो मिली है ये सोनपुर में मिली है। ठीक, गंडक परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य की संयुक्त है, तो ये परियोजना जो है बिहार प्लस नेपाल की संयुक्त परियोजना है। पॉइंट्स क्लियर, इतना बनाओ मिली। ठीक, जब इसमें मिलती है उससे मिलने से पहले लखनऊ जाएगी, जौनपुर गई है, हरदोई गई है, शाहजहांपुर और प्रतापगढ़। एग्जाम में सबसे ज्यादा लखनऊ आया, तो लखनऊ और जौनपुर का लोपन भी स्टार्ट। ठीक,
इसी नदी के बीच से हमारी नई नदी निकाल रहे हैं अपन, घाघरा। घाघरा नदी नेपाल से निकली है, ठीक, और बिहार के छपरा में ये फिनिश हुई, ठीक। लेकिन घाघरा की क्या है, कई सहायक नदियां हैं, तो उनको मैं अलग से डायग्राम छोटा सा उसका अलग पर स्पेसिफाई कर लू। घाघरा निकली है तो इसमें सबसे पहले पानी आता है काली नदी का, नेपाल से निकली है काली, और जब ये आई है तो एमपी के अपने यूपी जिले में इसमें ये मिलती है। यूपी में इसका नाम पड़ता है सारदा, ठीक, यूपी में इसका नाम सारदा। घाघरा नेपाल से, काली उसकी एक सहायक नदी, उत्तर प्रदेश में से सारदा के नाम से जाना गया और घाघरा बनाकर मिल गया। इसकी एक और सहायक नदी है सरयू, सरयू नदी भी अपन को घाघरा मिलेगी। ये क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन लिए पढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन आता अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो अपना वो सरयू नदी के तट, ये क्वेश्चन आपको स्टार लगाना है, ठीक। सारदा नदी यहां पर मिलेगी, तो घाघरा की सबसे बड़ी नदी है सारदा, ठीक, जो एक क्वेश्चन आता है। इसी का एक और नदी है सहायक राप्ती, क्वेश्चन अभी ये हाईलाइट में चल रहा है, गोरखपुर में होना है लोकसभा का उपचुनाव, ठीक, तो गोरखपुर बसा है राप्ती नदी के तट। दूसरा श्रावस्ती, ये भी राप्ती के तट। श्रावस्ती क्यों प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध ने यहां सबसे अधिक उपदेश दिए, ठीक। अपना श्रावस्ती क्यों प्रसिद्ध, उसने ये आता है, महात्मा बुद्ध ने सबसे भी उपदेश। अब गोरखपुर पढ़ना है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ठीक। गोरखपुर क्यों आए, नाथ संप्रदाय है उसका मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है, यानी जो नाथ संप्रदाय के मठ है उनका हेडक्वार्टर भी इसी जगह, ठीक। और ये अपनी आगे कहां खत्म हुई, छपरा में गंगा में ये मिल गई। पॉइंट्स क्लियर हुआ, नई नदी बोले। अब चलते हैं अपनी गंगा आगे बढ़ती है, तो आगे मिलती है इसमें कोसी, ठीक। कोसी का क्वेश्चन आता है कितनी धाराओं का सम्मिलित रूप है, जो कोसी है सात धाराओं का सम्मिलित रूप है, यानी इसमें सात धाराएं आकर इसमें मिलती है, ठीक। जिसमें प्रमुख पढ़ते हैं अपन, पहली है बागमती, नेपाल से निकलती है और ये कोसी में आकर मिलती है, ठीक। सिर्फ कोसी पढ़ रहे हैं और इस पर नेपाल की कैपिटल काठमांडू किस नदी के तट पर है, तो वो है अपनी बागमती नदी। इस बागमती को पढ़ने का रीजन था काठमांडू, ठीक। और इसमें दी है कोसी की सबसे बड़ी धारा है अरुण, तो इसमें सात नदियां जब मिलती हैं तो ये बिहार में एंटर करती है और भागलपुर में ये फिनिश हो जाती है। भागलपुर बिहार की डिस्ट्रिक्ट जहां 2017 में कोयला के नए भंडार मिले, ठीक। अब कोसी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बिहार का शोक कहते हैं इसे, क्वेश्चन आता है बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, तो कोसी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी का नाम,
विश्व की एकमात्र नदी पढ़ाते हैं सब टीचर, लेकिन दो पढ़ाऊंगा आपको जो मार्ग परिवर्तन की है। एक तो ये, एक कल पढ़ाऊंगा ब्रह्म को जब समझाऊंगा तिस्ता, उसने मार्ग परिवर्तन किया है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है अपनी कोसी। कोसी क्या? सात धाराओं का संगम, तो सात बार मार्ग चेंज किए। बिहार का सो कहां से निकली? नेपाल से। अरुण इसकी सबसे बड़ी नदी, बासमती, ठीक, बागमती, ठीक, इस पर काठमांडू बसा हुआ है, कोसी में भागलपुर मिल गई। अगर हमको बाढ़ रोकना है तो परियोजना बना ले, इस पर एक प्रोजेक्ट अगर लगा देंगे तो बाढ़ की स्पीड हो जाएगा। तो कोसी परियोजना का निर्माण नरेंद्र मोदी ने इसका किया उद्घाटन, ठीक, और ये नेपाल में स्थित है, लेकिन पैसे दिए अपन ने, तो बिहार प्लस नेपाल की क्या हो गई है? ज्वाइंट परियोजना। पॉइंट्स क्लियर हुआ? चलिए अब आ गए अपन बंगाल। बंगाल में इसकी सबसे अंतिम नदी मिलने वाली है महानंदा, ठीक। उसका आता है कोलकाता किस नदी के तट पर है? या तो गंगा या मिलेगा महानंदा। ये कोलकाता ही में मिलती है, इस नदी की अंतिम विशेषता, ठीक। लेफ्ट हैंड इस पॉइंट में खड़ा हो जाऊं तो फिर लेफ्ट हैंड कहलाएगा, तो बाई ओर से मिलने वाली अंतिम नदी, लेफ्ट हैंड है, ठीक, तो बाई ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम नदी कौन सी? अभी से अपन लेफ्ट हैंड पढ़े, राइट हैंड में नहीं गए, इतना होना राइट हैंड का बचा है, ठीक। राइट हैंड में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है यमुनोत्री से निकलेगी नदी का नाम है यमुना। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलते हुए हरियाणा जाएगी, जहां पर सोनीपत, पानीपत, बागपत जिले से बहते हुए दिल्ली आ जाएगी। दिल्ली के बाद मथुरा गई है, मथुरा के बाद आगरा, आगरा के बाद अपनी आएगी जिला इटावा, इटावा में इसकी सहायक नदी चंबल आकर मिल गई, ठीक। इटावा के बाद गई है हमीरपुर, हमीरपुर में मध्य प्रदेश से निकलने वाली बेतवा इसमें आकर मिल गई। फिर चलिए बांदा, बांदा में इसमें केन नदी आकर मिल गई, और फिर ये गई इलाहाबाद, और इलाहाबाद में हो गया इसका सम, ठीक। इलाहाबाद को यहां क्या एक नाम है? प्रयाग, वहां पर हुई है ये फिनिशिंग, बहुत लंबी नहीं जा रही। तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। अब समझ लो दिल्ली से लेकर आगरा तक इसे एक नाम दिया गया है कि पूरा एरिया, यहां पर दिल्ली के जितने भी नाले इस नदी में गिरे, मथुरा की जितनी गंदगी इसमें जाती है और आ रहा है, इस कारण इस नदी को अपन ग्रीन रिवर के नाम से इस जगह कहा गया है, ठीक। यूपी के बुलंदशहर में इस पे कोटेश्वर बांध बना हुआ है, सॉरी तेजेश्वर, ठीक। लेकिन आपको पूछेगा दिल्ली किस नदी के तट पर है,
तो जब भी सोनीपत पानीपत से पानी ज्यादा छोड़ा जाता है इसमें आकर, तो दिल्ली में आया कि बाढ़, ठीक, मथुरा, आगरा। ताजमहल किस नदी के तट पर? यमुना, ठीक है। तो ताजमहल लिख देता हूं, ठीक। ये सब हो गई जो लेफ्ट हैंड से मिली, लेकिन अपन ने अमरकंटक से एक नदी निकाली थी, थोड़ा सा याद हो, सोन नदी। एमपी के अपन अलग से पढ़ चुके हैं, एमपी के नहीं पढ़ाऊंगा अभी। ये कही है सोन नदी अमरकंटक से निकली है और बिहार के पटना में मिल गई है। बिहार के पटना में दानापुर जगह है, वहां पर मिलती है, ठीक। और राइट हैंड की नदी देख लो, लेफ्ट हैंड से जो राइट हैंड की, यमुना एक, दूसरी सोन, दो ही नदी मिल रही है। गंगा के तटीय नगर पूछेगा कौन कौन से नगर है, ठीक, टिहरी, उत्तरकाशी, ये भारी नदी में बनता है, ठीक। यूपी में आए तो फरुखाबाद, ठीक, गाजीपुर, ये दो नगर और पूछता है। कानपुर किस नदी के तट पर है और उरई किस नदी के तट पर है? यहां गंगा सबसे ज्यादा प्रवेश, कानपुर और उरई में गंगा सबसे ज्यादा प्रवेश, कानपुर उरई गंगा यहां हुई है सबसे ज्यादा प्रदूषित, यहां उसका पानी पीने लायक भी नहीं बचता, ठीक। ये रखना कहां गंगा हो, ये एरिया में सबसे ज्यादा हुई है प्रदूषित। पॉइंट क्लियर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? एसएससी पुस्तक अभी चल रहे हैं, 2008 में। गंगा राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण, ये 2009 में बना, ठीक। फिर गंगा प्राधिकरण ये 1985 में बना था, जो बाद में इसमें अपन ने मिलाया 2016 पीएससी में, वही बात में पूछा गया, दोनों को सच्चे रखना। अब गंगा का में कौन सा जीव पाया जाता है? तो वहां क्या पढ़ाया था मैं तुम्हें? डॉल्फिन। डॉल्फिन संरक्षण की शुरुआत गंगा में कब हुई, ठीक। तो ये परियोजना चालू करे थे अपन 1947। तीन डेटा हो गया, गंगा और राष्ट्रीय नदी कब? 8 में, राष्ट्रीय नदी बेसिन प्राधिकरण 9 में, गंगा प्राधिकरण 85 में, और फिर डॉल्फिन संरक्षण 1997। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को हम राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किए, ठीक। अब आता है गंगा के अन्य नाम बताओ, पर्यायवाची आपको याद कर लेना, सुरसरी, ठीक। दूसरा है जानवी, तीसरा है पद्मा, चौथा है भागीरथी, ठीक। तो अपन को नाम की जरूरत है ये वाला, ठीक। जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करी है तो उसका नाम क्या हुआ? पद्मा, ठीक। कल ब्रह्मपुत्र बताऊंगा इसके आने का। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बांग्लादेश में कहलाई है ब्रह्मपुत्र का जमुना। तो दो नदी का नाम समझ, गंगा कहलाई बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र कहलाई बांग्लादेश में, दोनों का पानी हम मिल गया इसमें, ठीक। तो ये आने रही है पद्मा के नाम से, ठीक। मणिपुर की एक नदी का पढ़ाऊंगा,
नाम है बड़ा, बांग्लादेश में गई है तो कहलाई सुरमा, और सुरमा का पानी मिला पद्मा में, तो अब बन गई ये मेघना। तो गंगा नदी अंतिम नाम खत्म हुआ उसका मेघना। ठीक, यहां एक और बार, गंगा बांग्लादेश में नाम पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नाम मणिपुर की नदी, ये असम में सुरमा कहलाई है, सुरमा का जब पद्मा और पानी मिला तो बनती है मेघना, मेघना के नाम से हुई ये फिनिश बना हुआ।